नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन के खूंटे का इलाव बकरा बन चुका पाकिस्तान उसके दायरे से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहा है। यह चीनी चाबुक का असर ही था जो उसने भारत चीन के द्विपक्षीय मसलों में कूद कर कहां का कटोरा कहां का फकीर साबित किया है। मगर आज हालत यह है कि उसकी खुद ही रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कई पीएम मोदी चीन के बहाने खुद उसका बंटा धार तो नहीं करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो बाकायदा पाकिस्तान की असेंबली में इस चिंता का इजहार किया है। कुरैशी ने कहा कि भारत की इरादे बहुत खौफनाक है, पाकिस्तान को उससे बचकर रहना होगा। भारत का निशाना पाक अधिकृत कश्मीर हो सकता है, यानी जहां चीन के ढोल बज रहे हैं वहीं उसके चेले पाकिस्तान के ढोल फट रहे हैं। शायद यही वजह है कि यहां पिछले 8 दिनों में 3 बार ब्लैकआउट हो चुका है। हर बार यही शोर उभरता है कि इंडियन आर्मी आ गई है, यानी यहां पर फटती और उधड़ती दोनों देखी जा सकती है। दरअसल पाकिस्तान में ऐसा खूब बेवजह नहीं है। मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान को जमकर ठोका है। इस मुल्क के भीतर भारत की दहशत हद से ज्यादा बैठ चुकी है। चीन से ज्यादा पाकिस्तान को एहसास है कि पीएम मोदी निशाना कहीं लगाते हैं और तीर कहीं पर चला देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान इस मुसीबत को अपनी तरफ बढ़ता देख रहे हैं। खासतौर से भारत के दौलतबाग ओल्डी से पीओके ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ भारत काफी मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान का काराकोरम हाईवे भी पूरी तरह उसकी जद में आया हुआ है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि पाक आर्मी पूर्व में गधैया नर्तक करती रहे और भारत पश्चिम की ओर से उसकी बैंड बजा दे। पाकिस्तान अब इस संभावना पर विचार कर रहा है कि कहीं भारत का टारगेट पीओके तो नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की उम्मीद बहुत कम है। इन हालातों में लद्दाख में मौजूद भारत की सेना पीओके में कोई बड़ा एक्शन कर सकती है। भारत द्वारा पीएलए के सैनिकों को धूल चटाने से पाकिस्तान में डर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले उसे लगता था कि चाइना की आर्मी उसकी मदद को आ सकती है, मगर यहां तो वह खुद ही मार पर मार खा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर भरोसा काफी कमजोर पड़ा है। हालांकि पिछले दिनों पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने आईएसआई हेडक्वार्टर में बैठक करके बकरी कुदान दिखाने की कोशिशें जरूर की, मगर यह एक प्रकार से पाकिस्तान की घबराहट ही बयां करता है। आज की घड़ी पाकिस्तान की हालत एक छिछोरे और बेफिजूल के ढिंढोरे से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसकी उछल कूद के भारत के लिए कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का स्कार्डू एयरबेस चीनी सेना को सौंप कर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसने भारत से उसकी जंग के आनंद में यह एयरबेस सौंप तो दिया, मगर अब चाइना इसे तभी खाली करेगा जबकि चाइना खुद ऐसा चाहेगा, और शायद यह चाइना अब बिल्कुल भी नहीं चाहने वाला है, क्योंकि चीन ने एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी पाकिस्तान की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक कि पाक फौज के किसी अधिकारी को भी यहां जाने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपनी आदत के अनुसार चीन इस स्कार्डू एयरबेस पर कुंडली मारकर बैठ गया है, यानी फटती किसी ने नहीं देखी हो मगर पाकिस्तान की उधड़ती सब देख रहे हैं। बेगानी शादी में नाचने वाला पाकिस्तान दीवाना भारत के चक्कर में अपना एयरबेस चीन के हाथों गंवा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस एयरबेस पर मौजूद पाक वायुसेना के कर्मचारियों को भी यहां से चलता कर दिया गया है। पाकिस्तान के फाइटर जेट जरूर यहां पर मौजूद हैं, मगर चीन अपने साथ अपने J-10 फाइटर प्लेन लेकर आया है जिनकी तादाद 10 के करीब बताई जा रही है। पर पाकिस्तान की इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के हाथों 45 से ज्यादा सैनिक गंवा चुकी चीनी सेना जब अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है तो वह पाकिस्तान को कैसे बचा पाएगी। खासतौर से पीओके को लेकर भारत का आक्रामक अंदाज उसकी चिंता बढ़ा रहा है। वह सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार भी करता है कि मोदी की तैयारियां पीओके के लिए हो सकती है। वैसे पाकिस्तान का यह डर जल्दी ही दूर होने वाला है, क्योंकि अगर भारत की सेना बॉर्डर पर गई है तो कुछ ना कुछ कारनामा करके जरूर लौटेगी। चीन को ठोके या पाकिस्तान को ठोके, भारत के लिए दोनों ही अनमोल गिफ्ट हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।